वेलकम डियरेस्ट चिल्ड्रन, हमारे फोर्थ पार्ट में ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड्स 13th चैप्टर जो है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपके लिए अगर कोई डेटा दिया गया हो तो उसका कौन सा क्वेश्चन राइट है, उसके सूटेबल क्वेश्चन में से वो आपको ढूंढना है। और फिर इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सीखने वाले हैं, किस तरह आप डिविजन का जो आंसर है वो मल्टीप्लाई से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर पार्ट फोर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है आपको और आपको कहना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन इसका सुटेबल होगा। अ शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस, उसके पास इस तरह के 50 बॉक्सेस है और देर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स है तो 50 बॉक्सेस में वो कितने फ्रूट्स रख सकता है। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल। ये तो सूटेबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट या रेट के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया है या दिया ही नहीं गया है डेटा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड, ये भी नहीं पूछा गया है क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास टोटल फ्रूट्स तो है ही नहीं, तो कितने ज्यादा बॉक्स चाहिएंगे वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो सूटेबल आंसर है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। अब आपको लिखना है व्हाई ए एंड सी आर नॉट सूटेबल चॉइसेस। तो फर्स्ट, ए इज नॉट सूटेबल एज डेटा ऑफ कॉस्ट इज नॉट गिवन, यानी कि एक फ्रूट कितने का है या एक बॉक्स कितने का वो दिया ही नहीं गया है, तो वो कैसे करते हैं। और सी इज नॉट सूटेबल एज नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज येट टू बी कैलकुलेटेड। और हाउ मैनी मोर बॉक्सेस, आपको ज्यादा बॉक्सेस तो चाहिए ही नहीं, आपको तो 50 बॉक्सेस में ही सब कुछ करना है, तो इसलिए आंसर बी हमारा राइट है। इसी तरह का फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स, यानी कि इस तरह का एक टेंट है उसमें 4 बच्चे रह सकते थे। तो नेचुरली होता यह है कि 352 बच्चों के लिए कितने टेंट चाहिएंगे, तो फ्रेंड्स वही है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि 4 चिल्ड्रन एक टेंट में, वो तो ऑलरेडी आपको कह दिया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, यस ये हमारा आंसर है कि अगर 1 टेंट में 4 बच्चे हैं तो 352 बच्चे कितने टेंट में होंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या शॉपकीपर हैज 204 एग्स, उसके पास 204 एग्स है, ही पुट्स देम इन एग ट्रेज, ईच ट्रे हैज 12 एग्स, यानी एक ट्रे में 12 एग्स होंगी, तो उसके 204 एग्स रखने के लिए कितनी ट्रे चाहिए होंगी, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो हाउ मेनी मोर एग्स विल ही नीड, नहीं ये नहीं हो सकता। हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, ये तो जरूरी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कितने बेच रहा है या सेल कर रहा है उसका तो डेटा ही नहीं है। हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड, यस ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि 1 ट्रे इज इक्वल टू 12 एग्स, सो फॉर 204 एग्स हाउ मेनी ट्रेज। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 47 रुपीज, सोनू बाइज 23 बुक्स, यानी कोई कुछ ऐसा है, 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज 47, 23 बुक्स, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट, 23 बुक्स का कितना कॉस्ट होता है। हाउ मच मनी डज शी हैव, नहीं ये तो नहीं, उसके पास कितना है वो हम कैसे जान सकते हैं। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, हाँ ये राइट है क्योंकि वो कितना टोटल 23 बुक्स के लिए कितना पे करती है, आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पता चल जाएगा। और ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स। फ्रेंड्स उसे 47 बुक्स का तो काउंट ही नहीं करना है क्योंकि बुक्स तो 23 थी, तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। इसी तरह अब हम कुछ नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जहां पे इस तरह का हरिशरण की तरह हम मिस्टेक न कर पाए। हरिशरण के 4 चिल्ड्रन थे और उन्हें 2456 इन 4 बच्चों के बीच में सेल करने
उनके बीच में उन्हें डिवाइड करने थे। अब उनके एक बच्चे ने कहा कि भाई आप अगर इस तरह से डिवाइड करोगे 4 के अंदर तो 624 आंसर हो जाएगा। तो हरिशरण उसने 624 पहले बच्चे को दिया, दूसरे बच्चे को 624 दिया, तीसरे बच्चे को 624 दिया, लेकिन जब फोर्थ बच्चे को देने आया यंगेस्ट चाइल्ड को, तब उसके पास पैसे घट गए, वो 624 नहीं थे। इसका मतलब फ्रेंड्स कि उसने जो 624 यहाँ पे सोचा था आंसर, वो गलत था। तो उसने चेक करने के लिए क्या किया, ये 624 को चेक, जब आप डिवीजन चेक करो तो आपको इसे मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, ये 8 और 9 और ये हो गया 24, 2496 टोटल हो जाता था, जबकि उसके पास तो 2456 थे, तो 40 रुपीज उसके लेस हो रहे थे। तो ये गलती उसने मल्टीप्लिकेशन करके पकड़ ली। अब जब ये बात उसके बच्चे को पता चली तो उसने उसके सन ने कहा हाँ डैडी मुझसे गलती हुई है, वो डिवीजन 624 नहीं 614 होना चाहिए था। और ये उसे कहने के पहले उसने चेक भी कर लिया कि भाई जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये वही आंसर आएगा जो हरिशरण ने डिसाइड किया था। तो बस ये वही आंसर है। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ इसी तरह के सम्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा पहला सम है वो देखते हैं, जिसमें हम यानी कि एक्चुअली करना आपको डिवीजन है और चेकिंग के वक्त आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो चलिए पहले हम डिवीजन करेंगे। इसमें हम आप जानते हैं कि जो नंबर पहले होता है वो अंदर आता है और ये बाहर। 9 आप अगर 9 फाइजा लेते हैं तो वो 45 होगा जो इससे ज्यादा हो जाता है, और 9 फोरजा 36 होगा, तो हम 4 36 लेंगे। ये 3 और ये 13 यानी 7 आपका नंबर, ये जो रिमाइंडर आए ये हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। इसके बाद आप 7 के बाजू में 8 नीचे ला सकते हैं। अब आप करेंगे 9 और 78, सो 9 8 72 है, तो आप अगर वो लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए वरना आप 9 9 81 लेते जो इससे ज्यादा बड़ा हो जाता तो फिर वो नहीं चलता। तो अब फ्रेंड्स आपका जो क्वोशंट है आप देख सकते हैं कि क्वोशंट जो है वो 48 है, आपका रिमाइंडर जो है वो 6 है। अब एक्चुअली में हम पहली बार ये कर रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन, ये आपका जो सम है वो आना चाहिए आंसर में, आपको करना ये है कि आपको ये वाला नंबर जो है क्वेश्चन उसे आपको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो जो आंसर आता है उसमें आपको रिमाइंडर को ऐड करना है, तो आपको ये जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या ये दो जो सर्कल किए हुए हैं, ये दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसमें रिमाइंडर ऐड करें तो क्या हमें ये वाला हमारा नंबर फिर से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 8 इज 72 एंड 36 एंड 7 इज 43। अब आपका आंसर पूरा आ गया, तो ये दो का काम तो हो गया, अब रिमाइंडर का जो काम है वो आपको बाद में ऐड कर देना है। हमेशा पीछे से ही ऐड करते हैं हम, सो 8 3 और 4। देखिए ये आपका आंसर वही चीज आपको फिर से मिल गई। तो इससे आपको पता क्या चल जाएगा, अगर आप श्योर नहीं है एग्जाम में भी कि भाई आपने डिवीजन राइट किया है कि नहीं, तो आप ये पैटर्न प्लीज फॉलो कीजिए कि ये दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आंसर आए उसके लास्ट स्टेप में आंसर आ जाने के बाद आप उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो आपको ये डिवीजन राइट है या नहीं ये पता चल जाएगा जब आपको ये सेम नंबर फिर से मिलेगा। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं, तो सेकंड नंबर है 3480। 3480 को आप अगर 12 से डिवाइड करते हैं, पहले हम डिवीजन के लिए ब्लू पेन यूज करेंगे। 3480 12 2 24 और 12 3 36, तो ये 36 इससे ज्यादा हो गया, तो 2 24 हम यूज करेंगे, हमारा आंसर 10। 8 अगर आप नीचे लाओगे तो 12 9 108। अब आप 0 नीचे लाओ, ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया, अगर आपने कुछ नीचे लाया है और आप नहीं कर पा रहे तो आपको 0 0 लिखना होगा।
बच्चे यही भूल करते हैं, वो जीरो नीचे लाते हैं, सोचते हैं सम खत्म हो गया और वो यहाँ पे जीरो रखते ही नहीं है। चलिए अब हमें 290 और 12 को मल्टीप्लाई करना है एक साइड पे और चेक करना है 290 मल्टीप्लाई बाय 12। हम इसे अभी साइड में रखेंगे। 2 9 18, 2 2 4 1 5, ये हो गया क्रॉस 0, 9 1 9, 2 1 2, 8 और इसके बाद ये 4 और 3। अब आप ये जीरो नीचे लेकर आइए तो ये आपने जीरो ले लिया। अब आपका सम खत्म हो गया फ्रेंड्स, अब आपको रिमाइंडर ऐड करना है जो जीरो ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो ऐड कर दीजिए। देखिए आपको 3480 आना चाहिए, वही आपका है, इसका मतलब आपका डिवीजन जो था वो परफेक्टली ऑलराइट था। इसी तरह अब थर्ड वन में आपको 450 डिवाइडेड बाय 7 करना है, तो डिवीजन में 450 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42 एंड 7 7 49, तो हम 6 42 वाला करेंगे 3 और 0। अब 7 4 28 आता है तो ये आपका 2 बज गया। बस अब आपको मल्टीप्लाई करते समय 64 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, 28 42 and 2 44। और अब जब आपका आंसर आ गया, मल्टीप्लीकेशन पूरा खत्म हो गया, तब आप ये रिमाइंडर को ऐड कर सकते हैं। पीछे से ही ऐड कीजिएगा प्लीज, तो आपको 450 आपका आंसर मिल गया। यही पैटर्न है फ्रेंड्स जो बहुत इजी है। अब ये तो और भी इजी है, ये हमें पता है, अगर हम शॉर्टकट में भी कर लें, ये 10 है, अगर हम डिवीजन इस तरह से कर लें तो इसका आंसर आना चाहिए 90। तो ये हम डिवीजन बकायदा करके देखते हैं कि क्या डिवीजन करने पर भी 90 ही आता है। 910, 10 9 90, आप जीरो नीचे ला रहे हैं तो आपको यहाँ पे 0 10 0 0 रख के फिर ही ये लाना है, तभी 90। तो ये 90 आंसर है जो हमें पता ही है, शॉर्टकट में भी पता चल गया था। अब आपको 90 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, एक्चुअली 9 1 9 और ये 2 0s आप रख देंगे, और क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 900 ही होगा, जो हमारे केस में राइट ही है। अगर आपकी टीचर पूरा एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह से, तो मैं आपको दोनों ही आंसर्स बता देती हूँ, आप देख लीजिए। आपकी टीचर अगर ये आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं, आप ऐसे कीजिए 0 0 0 0, 0 9 0 0, अब ये खत्म हो गया, इसके लिए 0, 1 0 0 0, 1 9 0 9, और अब आप ऐड कर लीजिए। देखिए ये और ये सेम ही है, हमने यहाँ पे क्विक मैथ्स किया, 9 1 0 9 और फिर ये 2 0s बाद में रख दिए, और इसके अंदर आप अब रिमाइंडर रख रहे हैं जो 0 ही है। तो आप प्लीज अपनी मेथड स्कूल की फॉलो कीजिएगा, क्या वो क्विक मैथ की मेथड है, क्या वो ये पूरी मेथड है, और फिर सम कीजिएगा। फ्रेंड्स हम नहीं चाहते हमारे मार्क्स किसी भी तरह से कहीं भी कट हो। 678 डिवाइडेड बाय 6, काफी इजी, 678 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, अब आप 7 नीचे लाएंगे, अगेन 6 1 6, और आप 8 नीचे लाएंगे तो 6 3 18, रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचा नहीं जो 0 है। अब आपको 1 1 3 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18, 6 1 6 and 1 7, 6 1 6, और अब आपका रिमाइंडर 0 है तो आप सिर्फ एक 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें बताना है पैटर्न इसके लिए। तो आप देख सकते हैं 678 ही नंबर था और यहाँ भी 678 ही है। तो यहाँ पे हमने किया क्या है फ्रेंड्स, जो रिजल्ट आए हैं डिवीजन के रिजल्ट्स हमने मल्टीप्लिकेशन से चेक किए हैं। अब इसी में लास्ट जो है वो देख लेते हैं। सो 2475 डिवाइडेड बाय 11, 2475 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 22, क्योंकि फिर तो 33 हो जाता तो वो बड़ा हो जाता, 7, अगेन 11 2 22, 5 बज गया। अब आप ये 5 नीचे लाओगे तो 11 5 55। देखिए कुछ इसमें भी रिमाइंडर बचा नहीं है, तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अब आपको ये और ये मल्टीप्लाई करना है, 225 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2,
ये खत्म होने पर जीरो, वन फाइव जा फाइव, वन टू जा टू, फाइव सेवन फोर और टू, देखिए टू फोर सेवन फाइव। अब आप इसमें ये जो रिमाइंडर है वो ऐड करेंगे जो कुछ भी नहीं है, तो अगेन आपका आंसर वही आएगा टू फोर सेवन फाइव, टू फोर सेवन फाइव। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे के जो सम्स हैं उनमें आपको चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। इनके आंसर सॉल्व करने के बाद ये जो ग्रिड दी गई है हमें, ये बॉक्स दिए गए हैं, इनमें इनके आंसर को सिर्फ आपको शेड करना है। तो इनके भी आंसर्स अब हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं या डिविजन जो भी कहा गया हो। पहला सम है वो है 21 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, ये खत्म हो गया तो इसके लिए 0, 1 वन जा 1, 1 टू जा 2, सिर्फ इन्हें ऐड करके 3 और 5 7 जा 35 और 5 7 वन जा 7 प्लस 3 105। फ्रेंड्स ये आंसर्स मैं करके फिर बाद में यहाँ पे लिख लूंगी और वही आंसर्स हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। 2 3 जा 6, 9 2 जा 18। ये सिंगल डिजिट तो बहुत सिंपल होते हैं फ्रेंड्स, एक एक डिजिट से स्टार्ट कीजिए, पहले वंस प्लेस पे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर टेंस प्लेस पे। 1 5 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 3 8। तो अगर ये फोर आंसर्स हैं तो इन्हें मार्क कर लेते हैं पहले। 10 10 जा हम यहीं पे 100 करेंगे और इसके आंसर्स मैंने 336, 105, 186, 85 और 100 पहले मार्क कर लिए हैं। अब हम सेकंड लाइन करेंगे जिसमें ये आंसर्स हम यहीं पे मार्क कर लेंगे। 77 वन जा 77 और 1 0, ये शॉर्टकट है क्योंकि ये क्विक मैथ्स है। 5 वन जा 5 और यहाँ पे दो जीरोज यानी के 500। 11 11 जा ये हमें आंसर पता ही है 121। इनके अलावा बाकी के सारे ही हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। सो 26 26 जा पहले देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 एंड 3 50। अब आप इसे क्रॉस करके 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 5, सो 6 7 6। इसके अलावा 9 7 जा 63, 35 एंड 41। फिर इसके बाद आपका 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया 0, 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 3, 9 8 और 5। ये नेक्स्ट लाइन है लेकिन फिर भी हम यहीं पे कर लेते हैं, ये आप अलग से करेंगे। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 एंड 1 25 और फिर ये 0। तो अब इनके आंसर्स भी लिख लेते हैं फ्रेंड्स। 26 इंटू 26 का आपका आंसर है 676, ये आपका आंसर है 413 और ये आपका आंसर है 589, 2550। अब मैं इनके लिए कलर्स करके आपको बताती हूँ। तो हमने इन्हें मार्क कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आगे के देखते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 4 4 जा 16, 24 एंड 25, ये हो गया आपका 8 8 6 2। अब एक और मल्टीप्लीकेशन पहले देख लेते हैं फिर डिवीजन पे आते हैं। सो 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 एंड 5, 40, ये इससे बड़ा नंबर है तो आपको दो नहीं तीन लेने होंगे। तो आप देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 जा 32 और ये 0, सो ये 8 जा 320 होता है। अब आप नीचे अगर 0 ला रहे हो आपको इधर 0 रख के इधर 0 रखना होगा, तो इसका आंसर है 8। इसके बाद आपको एक और देखिए, ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब आपको डिविजन करना है। तो 8 3 जा 24, आप 8 नीचे ला रहे हैं तो 8 1 जा 8। मैंने यहाँ पे टू डिजिट इसके लिए लिया कि अगर मैं वन डिजिट लेती तो वो इससे छोटा होता तो वो नहीं चलता, इसलिए दो डिजिट लेने होंगे। 9 9 8 जा 72, क्योंकि 7 सिर्फ 9 से छोटा होता तो दो डिजिट लेने पड़े और ये 9, तो ये हो गया मेरा 9 1 जा 9। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम ये आंसर्स लिख के अपने ग्रिड में इन्हें कलर कर लेते हैं।
अब एक और सेट ये लाइन वाली ले लेते हैं, इसमें हमने एक ऑलरेडी कर लिया है, अब ये वाला करेंगे। 18 टूजा फ्रेंड्स हम जानते हैं 18 टूजा 36 होगा, तो ये अगर आप वरना 54 हो जाएगा थ्रीजा, सो 3 और 13, सो 7 0 और ये 2। अब अगर आप 18 फोरजा देखोगे 18 फोरजा 2 3 और ये 7, सो 18 फोरजा 72, तो आपका आंसर होगा 24। तो यहां पे हम सिर्फ 24 लिख ले आए। अब इसके बाद फ्रेंड्स 825 को आपको 5 से करना है, 5 वनजा क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है, 5 वनजा 5, सो 3 और अब आप 2 लेंगे, फिर आप देंगे 5 सिक्सा 30 और 2, अब आप नीचे 5 लाएंगे तो 5 वनजा अरे 5 फाइवजा 25, तो इसका आंसर हो गया 165। अब फ्रेंड्स इसी तरह 13 से इसे तो 13 वनजा 13, 13 टूजा 26 जो इसे बढ़ जाता है, तो वनजा 13 ही हम लेंगे, तो यहाँ पे 9 0 और ये 1। अब हम जानते हैं कि 13 सेवनजा, आप 13 सेवनजा जिन्हें टेबल नहीं आते प्लीज चेक कर लीजिए, 20 सो ये 91 हो गया, तो ये हो गया हमारा सेवनजा 91। 12 फोरजा 48 और 12 फाइवजा 60, सो फोरजा 48 अगर हम लेते हैं तभी वो होगा ठीक, ये 17 और ये 9 और अब आप 6 ले लीजिए नीचे। अब आप जानते हैं कि 12 एटजा 96 होता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट नहीं है प्लीज इस तरह से करके चेक कर लीजिए और फिर 12 एटजा 96 रख लीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 48। अब 4 ये छोटा नंबर है तो हमें 2 लेने होंगे, 4 7 जा 28 होता है, अब आप 8 नीचे लाओगे तो 4 2 जा 8। सो फ्रेंड्स ये सारे ही नंबर्स के जो आंसर्स है वो बहुत इजीली आ गए, वैसे हमें लगा बहुत ज्यादा करने लेकिन बहुत इजीली आ गए। अब आपको 11 देखिए, अगर मैं 11 8 जा लेती हूँ तो वो 88 हो जाता है, तो वो इससे बढ़ जाएगा, तो मैं 7 जा 77 लूंगी, सो ये 7 और 16, तो यहाँ पे 9 और ये 0, देखिए अब ये 9 हो गया, तो 11 9 जा 99। एक बात रेस्ट एश्योर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको तो यहाँ पे ग्रिड में ये करना है, अगर रिमाइंडर आता तो आप यहाँ पे कैसे कर लेते, तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज। 79 है इसका आंसर, ए 7 वन जा 7 क्योंकि डिजिट बड़ा है इससे, 14 7 टू जा 14 और अब आप नीचे 7 ला रहे, सो 7 वन जा 7, तो 121 इसका आंसर है। 98 को जब 981 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बड़ा डिजिट है, तो 3 3 जा 9। प्लीज फ्रेंड्स मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, ये आवाज बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग है। 2 9 2 जा 6 2 और अब आप नीचे 1 लाएंगे तो 3 7 जा 21, यहां पे 9 2 जा 6 मैंने कहा, 3 2 जा 6 आई एम सॉरी, सो 327। अब ये लास्ट देखते हैं, सो 19 टू जा 38 होगा, तो हम वही लेंगे 19 टू जा 38, सो ये आपका 3 और 17, तो यहां पे आपका 9 और 5, और 19 5 जा 95 होता है, तो आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे आंसर 25। अब हम ये सारे इस ग्रिड में मार्क कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इन्हें मार्क कर लिया है, सिर्फ एक नंबर दो बार रिपीट हो रहा है 121, तो हमने दोनों टाइम उसे मार्क कर दिया है, और ये हमारी कुछ पैटर्न बनती है वो आपको दिखानी है हमें। और अब फ्रेंड्स हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नए लेसन में, जो लेसन नंबर 14 है उसमें, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपका प्यार मेरे चैनल की तरफ इतना बढ़ रहा है देखकर मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज यूं ही अपना प्यार मेरी चैनल की तरफ आगे बढ़ाते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।